वेलकम टू दिस वीडियो। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं तीन स्टॉक के बारे में जो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस जोन को टेस्ट करने वाला है आने वाले ट्रेडिंग सेशंस में। तो उसमें सबसे पहला है टाटा मोटर, जो कि चार्ट आपके सामने ओपन है। ये टाटा मोटर का चार्ट है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि निचले स्तर से टाटा मोटर कितनी अच्छी तरीके से वॉल्यूम के साथ यहाँ पर बहुत 4-5 दिनों में ही एक बड़ी रैली कर चुका है। लेकिन इस अपर लेवल में अब आने के बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ पर डोजी फॉर्म हुआ है जो कि इनडिसिसिव कैंडल है, और ऊपर पे 243.65 का जो रेजिस्टेंस लाइन आप देख रहे हैं वो एक बड़ा रेजिस्टेंस जोन है, जहाँ से यहाँ से आप देख सकते हैं कि पहले उस जोन पे जब प्राइस गया था तो वहाँ से किस तरीके से डाउन मूवमेंट स्टार्ट हुई थी। तो अभी अगेन इसी लेवल में जाके प्राइस में थकावट महसूस हो रही है, और अभी का जो प्राइस है वो 235.2 है, लेकिन 243.65 ये एक इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन है। जब तक इस लेवल को वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट करके ऊपर में क्लोजिंग नहीं होता है, आप इस लेवल को ज़रूर एज ए रेजिस्टेंस नोट करके रखें, क्योंकि यहाँ से एक डाउन मूवमेंट स्टार्ट हो सकती है। और अब जो नेक्स्ट है वो है भारत फोर्ज में आप देख सकते हैं कि ये जो पहले रेजिस्टेंस जोन था वो ब्रेक किया, अच्छे वॉल्यूम के साथ ब्रेक किया। इसका आप वॉल्यूम भी देख सकते हैं इस कैंडल का, लेकिन इसके बाद एक अच्छा फिर से अप मोमेंटम आया और ऊपर में एक 40-45 पॉइंट की फिर से रैली हुई। और ऊपर में आप देख सकते हैं जो रेजिस्टेंस लाइन है वो 844.8 848.05 ये रेजिस्टेंस जोन है 4-5 रुपीज़ के बिटवीन का समथिंग। वहाँ पर आज प्राइस टेस्ट किया, लेकिन वहाँ से फिर से ये आप देख सकते हैं कि जस्ट प्राइस वहां पर टेस्ट ही किया और वहां से गिरावट हो गई। तो रेजिस्टेंस लाइन टेस्ट करने के बाद वहां से अप्रॉक्सीमेटली 25 पॉइंट की गिरावट हुई। तो आने वाले ट्रेडिंग सेशन में भी इसी तरीके से ही मूवमेंट इसमें होने वाली है, जब तक 848.05 का लेवल ऊपर भी ब्रेक ना कर दे। ये रेजिस्टेंस जोन एक इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन है भारत फोर्ज के लिए। इससे पहले भी जब इस प्राइस जोन पे ये स्टॉक जाने की कोशिश किया था तो वहाँ से बार बार कितनी बड़ी बड़ी डाउनफॉल हुई थी वो आप चार्ट में देख सकते हैं। तो ये भारत फोर्ज का लेवल 844.8 और 848.05 का लेवल ज़रूर नोट करके रखें। इसके बाद नेक्स्ट जो है वो है आईआरएफसी में भी एक अच्छी तेज़ी लगी हुई है, लेकिन इस तेज़ी में आप देख सकते हैं कि अब ऊपर की ओर से सेलिंग प्रेशर दिखता हुआ अभी से ही दिखाई दे रहा है। तो आने वाले ट्रेडिंग सेशन में अलर्ट रहें 23.1 और 23.15 ये जो लेवल है वो एक रेजिस्टेंस जोन है और स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन है। आने वाले ट्रेडिंग सेशन में अगर इस लेवल में आईआरएफसी आता है तो यहाँ से डाउन मोमेंटम आपको दिख सकता है।